नमस्कार दोस्तों, मैं शाइनी सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगो? आज का जो विषय जिसके बारे में बात करेंगे, अपनी मनोकामना जो है कागज पे लिखने से कैसे पूरी होगी। आज सबको पता है सूर्य ग्रहण है, लेकिन कितनी कहते हैं ना यूनिवर्स की ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें कितनी अद्भुत चीजें हैं कि अगर आज सूर्य ग्रहण है तो कल शुरू होने वाले गुप्त नवरात्रे। तो जहां पर कहते हैं ना, मम्मी ने कल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि ऊपर वाला चाबी के बगैर ताला बनाएगा ही नहीं। तो अगर ताला है तो चाबी है, तो हमने देखना है हम ताले को कैसे खोल दे, सीधी सी बात है। तो आज मैं जो जो चीजें आपको बताने जा रही हूं, है ना, चार तरह के नवरात्रे होते हैं, शारदीय नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे और दो गुप्त नवरात्रे, सीधी सी बात है। तो आज जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं, करोड़ों रुपए भी इधर उधर स्पेंड कर दोगे ना, ये पूजा करा लो, शांति करा लो, ये कर लो, वो कर लो, खुद सिद्धि प्राप्त करो। इसमें सिद्धि प्राप्त करने का अब ये टाइम आ गया है। अब आपने कल क्या करना है? पहली चीज तो ये चीज समझने की कोशिश करो, ये जो टाइम होता है ध्यान साधना का टाइम होता है। इसमें जो आराधना करी जाती है, शिव शक्ति की आराधना करी जाती है। इसमें जितनी चीजें अभिमंत्रित करनी है कर लेना। कल भी मेरी किसी से बात हुई थी, क्या धनवर्षा पोटली मैंने इतने हजारों की ले ली, कछुए की अंगूठी ले ली, ये उन्होंने दे दिया, चक्रा दे दिया, ये क्या है ये? अपने पैसे खराब मत करना, सीधी सी बात है। आज जो मैं आपको ये चीज बताने जा रही हूं ना, मेरी बात मान के चलना, सारे दुनिया के कष्ट कुछ भी हो ना, दूर हो गए तो बोलना, सीधी सी बात है। इतना मैं कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर इस चीज को लेकर। तो अब आपने क्या करना है? अब पहली चीज तो आपने क्या कहते हैं, एक तो सुबह दीपक जला लेना है। जैसे जो कलश की स्थापना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो आप कर लो, जैसे चल रहे हो चलते जाओ। जो मैं बाकी चीज है मैं आपको वो बताने जा रही हूं, सीधी सी बात है। तो अब आपने क्या करना है, सुबह आपने ना दो के एकदम, अगर कलश की स्थापना जो करते हो वो अपने रूटीन से चले जाओ, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रही। आज के तो कर नहीं रहे होगे, पहले के कर रहे होगे, सीधी सी बात है। तो अब आप क्या करोगे, आपने घी का दीपक जलाना है, अर्गला स्तोत्र का आपने पाठ करना है। अब जब आप ये कर लोगे, अब आपने क्या करना है, आपने कागज पर अपनी मनोकामना, अपनी समस्या लिखनी है कागज पर। किससे लिखोगे? लाल सिंदूर से लिखोगे या हल्दी से लिखोगे? अपनी अनामिका वाली उंगली से। समझ आ गई मेरी बात? अब आप क्या करोगे, अब आपने एक तो मैंने जैसे बोला, ये जो टाइम होता है ध्यान साधना सिद्धि प्राप्त करने का होता है। कोई भी मंत्र जो इस टाइम में आप करोगे वो सिद्ध हो जाएगा, सीधी सी बात है। इस टाइम को सिद्धि शक्तियां लाओ, सिद्धि प्राप्त करो। शिव और शक्ति, जब आपके अंदर शक्ति होगी तो कोई चीज कैसे आपसे दूर हो सकती है, सीधी सी बात है। अब आपको मैं मंत्र बताने जा रही हूं, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, इस चीज का मंत्र करना है आपने। जिनको भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है पाशा लोगों, इतनी जबरदस्त चीजें बताने वाली हूं कि मैं आपको क्या ही बोलूं। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक स्फटिक का श्री यंत्र लेके आना है, सीधी सी बात है। अब पानी, जल और दूध से उसका अभिषेक करोगे और वहां पर बैठकर कमल गट्टे की माला से 11 माला ओम श्रीम नमः करोगे। आप मेरी बात मान के चलना, जिनको भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कर्जे नहीं उतर रहे, जो भी समस्या है, इस चीज से ये दूर होती चली जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूं, जो दीपक है वो आपने 3 टाइम जलाना है। एक तो सुबह जलाओगे, कब जलाओगे, सूर्य उदय के 48 मिनट्स के भीतर भीतर। एक आप जलाओगे अभिजीत मुहूर्त, देख लेना अभिजीत मुहूर्त कब है, और एक है निश्चित काल। निश्चित काल में जो भी आप मंत्र जाप करोगे उससे फल ना मिले तो बोलना, जबरदस्त मैं कहती हूं, क्या ही बोलू। अब आपको एक और चीज बता देती हूं,
एक आपको मंत्र बता रही हूं, जैसे मैंने बोला शिव शक्ति की इस टाइम पे आराधना करनी है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। निश्चित काल में एक तो इसका जप करना है, कितना करना है वो आप देखो, और ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, इस चीज का आपने जप करना है निश्चित काल में। एक चीज का ध्यान रखना, अभिजीत मुहूर्त और निश्चित काल में आपकी आराधना होनी चाहिए, ये आपको अल्टीमेट वाला रिजल्ट देगा। मैं को आपको पता है बेवकूफ बनाने के तरीके मेरे पास है नहीं, है ना, ये हम पूजा करा देंगे, शांति करा देंगे, जो करना है आपने करना है जी, ये अभिमंत्रित करा ले लो, हमने अभिमंत्रित करके ये अंगूठी रखी है, वो करी है, चक्रा रखा है, क्या है ये सब, बेवकूफ बनाने के तरीके है यार। कल भी मेरी बात हुई, उन्होंने ही तो मुझे ये सब बताया, पूजा नहीं तो अभिमंत्रित करा ले लो, ये क्या है। आप करो ना इस टाइम पे अभिमंत्रित, लौंग कर लो, इलायची कर लो, मिश्री कर लो। आपको एक और जबरदस्ती चीज बताऊं, इस टाइम पे लौंग, जैसे जब आप मंत्र जाप कर रहे हो सुबह, तो 11 माला आपने ओम श्री नमः करनी है ना, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। शाम को निश्चित काल पे जरूर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, और ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, इस चीज का आपने करना है। सामने जो है, अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, पहले ये चीज बताती हूँ, जो ओम श्री, ये ओम श्री नमः है ना, ये जो आप करोगे ये किससे करोगे, कमलगट्टे की माला से, और जो ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय किससे करोगे, लाल चंदन की माला से। सीधी सी बात है, क्लियर है मामला, ये चीज अब आप करो। अब आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप ये जब मंत्रों से मंत्र जाप कर रहे हो, सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, तो आपने सामने लौंग रख दो, इलायची रख दो, मिश्री रख दो, ये सारी चीजें रख दो, समझे मेरी बात को। अब आप जब ये सारी चीजें रख दोगे तो आप जब मंत्र जाप करोगे वो अभिमंत्रित हो गई, सीधी बात है। किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, है ना, तो ये लौंग अपने मुंह में रखकर तब जाओ, काम बनेंगे। जिनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि जिसको लगता है कोई करी कराई चीज है, मई पता नहीं क्या ही हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, लौंग को एक दाने, दो तीन दाने चावल के एक दो लौंग ले लो, और कपूर डालकर उसको जला दो, उससे वो जो है भस्म से तिलक करो। कौन बताता है, एक बात बताओ यार, ये चीज है ना कोई, ये चीज है, ये अब काम करेगा, पहले किया नहीं क्योंकि ढंग से कुछ किया ही नहीं, बेवकूफ बनाए जाते बने जाते। बार बार बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, सीधी बात है, मुझे नहीं डर लगता। कल भी बड़े पंडितों के फोन में बड़ा पंगा ले रही हूं आपके चक्कर में पाशा लोगो, तो यार बेवकूफ मत बनना, बस अपनी सिद्धि खुद प्राप्त करो, अभी अभिमंत्रित करना खुद करो, सीधी बात। अच्छा एक और चीज, जिनको भी जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, अब आप क्या करोगे, अब आपने अपनी एज, अपना जो भी आपकी एज है, जैसे 25 साल, तो पीले रंग के धागे में आपने 25 लौंग की उसकी माला बना लेनी है, खुद अपने हाथ से बनाओ, और इसको पहले दिन पे अपनी मनोकामना कागज पे लिखकर, वो तो एक तो आपने सिंदूर या हल्दी से लिखकर माँ के आगे चढ़ा देनी है, और साथ में ये माला चढ़ाओ और जप करो, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, इस चीज का जप करो, जितना कर सकते हो निश्चित काल अभिजीत मुहूर्त में, जितना कर सकते हो, तीन वक्त तो आपने दीपक जलाने ही जलाने, सीधी बात है, ये चीज करो। एक और चीज बता देती हूँ, एक काली उड़द का दाना, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, चाहे लड़के चाहे लड़की, पहले वाला भी जो बताया आपको लौंग वाला, अपनी एज से जो लौंग आपने पीले धागे में माँ को चढ़ानी है, जो लड़के हैं, है ना, वो पाशा लोग, वो अपना चरणों में डाल दो और जो रख दो, और जो माँ है, जो लड़कियां हैं, वो अपना माँ को माला पहना दो, सीधी सी बात है। और जिनका भी विवाह नहीं हो रहा या विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए भी ये चीज है, वो भी करना, विवाह में दिक्कत आ रही है तब भी वो चीज करना। एक और चीज बताने जा रही हूं, एक काली उड़द का दाना एक अक्षत माँ के चरणों में चढ़ा देना है, और उसके बाद में वही मंत्र जाप करो, सिद्धि प्राप्त करो, निश्चित काल में कर लो, कोई बात नहीं, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, सीधी सी बात है, ये चीज करो। अच्छा माँ को जरूर याद से एक तो दो लौंग सुबह आपने चढ़ानी है, दो लौंग चढ़ाओगे और दो लौंग और कपूर से आरती करोगे,
आरती करोगे और बाद में आपने बैठ जाना ध्यान साधना को। अरे जितनी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये जो शक्ति आपके अंदर, चाहे वो मानसिक शक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे फाइनेंशियल शक्ति हो, ये सब सब दे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पाशा लोगों, कुछ नहीं समझ आया तो आपको पता है कमेंट करते ना, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, एकदम माइंड ब्लास्टिंग वाले है कि नहीं पाशा लोगों, प्लीज कर लेना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये टाइम ऐसा है कि सब कष्ट दूर हो जाएंगे, बस माँ की शक्ति, बस उसको उजागर करो यार, माँ की शक्ति को समझो, ये भटको मत लोगों के चक्रों में, बस बहुत समझ जाओ यार, समझ जाओ, ठीक है ना पाशा लोगो। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और डिसलाइक वालो, बेवकूफ मत बनाओ यार, ये अभिमंत्रित करा ले लो, पूजा करा लो, शांति करा लो, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऑलरेडी इतने परेशान लोग होते, क्यों ये सब खेल खेल रहे हो किसी की फीलिंग्स के साथ यार, सच्ची में। चलो पाशा लोगों, शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।